अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के आज 29 साल पूरे हो गए हैं। वहां सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर मंदिर निर्माण का कार्य जारी है। अयोध्या में तो सब कुछ ठीक है, लेकिन विवाद मथुरा में बढ़ गया है, जहां हिंदूवादी संगठनों ने प्रशासन से शाही ईदगाह मस्जिद में जलाभिषेक के बाद मूर्ति स्थापित करने की मांग की है, लेकिन प्रशासन ने इस मांग को ठुकरा दिया है। लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दिया गया है, आयोजकों को समझाया गया, ऐसे में हिंदूवादी संगठनों ने कार्यक्रम रद्द कर दिया, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन अलर्ट है। मथुरा में पहले से ही धारा 144 लागू है। करीब 3000 जवान तैनात किए गए हैं। पीएसी से लेकर आरएएफ के जवानों को मुस्तैद रहने को कहा गया है। चप्पे चप्पे पर कड़ी पहरेदारी है, ताकि मथुरा के अमन चैन में कोई खलल ना डाल सके। हमारी संवाददाता गौनिका अरोड़ा इस वक्त मथुरा में मौजूद हैं। टेंशन के लिहाज से जिस इलाके को रेड जोन माना गया है, वहीं से गौनिका की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज यानी कि 6 दिसंबर के मद्देनजर बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी के मौके पर हिंदूवादी संगठनों की तरफ से ऐलान किया गया था कि आज वो शाही मस्जिद के अंदर जाएंगे और ऐसे कार्यक्रम करेंगे जिससे माहौल बिगड़ सकता है, लेकिन उसको लेकर मथुरा में इस वक्त सुरक्षा को पूरी तरह पुख्ता किया गया है। तमाम हिंदूवादी संगठन है जिन पर शक है पुलिस को, उनको नजरबंद किया गया है। इसके अलावा कई लोगों पर कार्रवाई भी की गई है। शाही मस्जिद की तस्वीर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर इस वक्त सुरक्षा शाही मस्जिद के आसपास चारों तरफ पूरी कड़ी कर दी गई है। जो लोग भी इस गली में जा रहे हैं या मस्जिद की तरफ जो जाना चाह रहे हैं, उनका आई कार्ड चेक किया जा रहा है, बकायदा आधार कार्ड देखा जा रहा है और पूरा सिक्योरिटी चेक करने के बाद ही उन्हें अंदर भेजा जा रहा है। किसी को भी बिना सिक्योरिटी चेक किए अंदर जाने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा सिर्फ शाही मस्जिद ही नहीं बल्कि जन्मभूमि मंदिर के आसपास और मथुरा के तमाम इलाकों में इस वक्त सिक्योरिटी को पूरी तरह पुख्ता किया गया है। कई लेयर की सिक्योरिटी, कई लेयर के बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं और खासतौर पर मथुरा शाही मस्जिद और मंदिर के अंदर के एरियाज को और बाहर के एरियाज को जोन्स में बांटा गया है। अंदर का एरिया रेड जोन और बाहर का एरिया येलो जोन, और मथुरा के हाईवे और पूरे शहर को बाकी को येलो जोन, ग्रीन जोन में बांटा गया है और इसी तरीके से सुरक्षा को भी पूरी तरह पुख्ता किया गया है। दरअसल मथुरा की शाही मस्जिद को लेकर जो हिंदूवादी संगठनों का ऐलान किया गया था, उसके बाद से ही पुलिस ने जो अनुमति उनसे मांगी गई थी, पुलिस ने उस अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसके अलावा तमाम हिंदूवादी संगठनों को लेकर अभी फिलहाल पुलिस का यह कहना है कि उन्होंने अपनी कॉल को विड्रॉ कर लिया है और अगर कोई भी शख्स सोशल मीडिया के जरिए या फिर मंदिर के आसपास या मस्जिद के आसपास एरिया में आकर किसी भी तरीके से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करता है तो शख्स पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त शाही मस्जिद के बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बैरिकेड के बाहर इस वक्त तमाम जो ईदगाह से जुड़े हुए लोग हैं वो इस वक्त यहां पर बैठे हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिर आज को लेकर उनकी क्या राय है ये जो ऐलान किया गया था। सर, क्या नाम है आपका? चौधरी सईद। चौधरी जी, आज जो ऐलान किया गया था, सबसे पहले तो आपको क्या लगता है कि क्यों किया गया था? माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है या फिर कुछ चुनावी हथकंडा? हाँ, ये एक चुनावी हथकंडा था जिसको कहने में यहाँ की आवाम ने खारिज कर दिया। यहाँ हमेशा से सदियों से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग कहने में एक भाईचारे के और सौहार्द के साथ रहते चले आ रहे हैं। उसकी एक मिसाल आपको कहने में जो है शाही मस्जिद ईदगाह और श्री कृष्ण जन्म स्थान, दोनों ये ऐसा प्रतीक है सद्भावना का जो हमेशा हमेशा कायम रहा है और रहेगा इंशाल्लाह। तो मैं कहना मैं जो है यहाँ की जनता को, यहाँ की जनता का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ के प्रशासन से भी सांप्रदायिक ताकतों की कहना में जो है खारिज करने की दरख्वास्त दी और उनको यहाँ की आवाम ने और हमारे हिंदू भाइयों ने इस कहना में जो है गलत काम को बिल्कुल कहने में ये स्वीकार नहीं किया और अमन चैन की कहने में ये अपील की। शहर में ये बहुत बढ़िया अमनो अमान है। आपका क्या नाम? आओ फारूकी शाही मस्जिद का पूर्व सदस्य। फारूकी जी, क्या आप लोगों को जानकारी मिली थी कि आज को लेकर क्या ऐलान किया गया है? क्या आप लोगों के पास डायरेक्ट भी कुछ लोग आए थे कहने के लिए कि क्या अंदर कुछ ऐसी कार्यक्रम किए जाएंगे जिससे कि माहौल बिगड़ सकता है? पहले केशव प्रसाद मौर्य जी का जो बयान था, उस तरीके का बयान देने के बाद उन्होंने ढुलमुल कर दिया उस बयान को। बाद में योगी जी ने एक पत्रकार वार्ता में ढुलमुल कर दिया, साहब वहाँ से शुरुआत हुई, वहाँ काम होगा, काम के ऊपर ले गए उस बात को। एक इलेक्शन स्टैंड बनाया था उन्होंने इस चीज़ को, इलेक्शन जीतने की उन्होंने बहुत कोशिश की है और जनता ने उसको नकार दिया है और इसी ने नकार दिया। मथुरा का हमारा यहाँ का हिंदू और मुसलमान सिख ईसाई सभी एक ऐसा संदेश देता है कि मथुरा की मिसाल मथुरा 3 लोग से न्यारी है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ बढ़िया शांति है और जिला प्रशासन की भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। जिला प्रशासन ने बहुत बढ़िया तरीके से काम किया है
और शासन की नीति बढ़िया नहीं है ऊपर से, क्योंकि उनकी नीति में फर्क है। जनता यहाँ की बहुत भोली भाली है, हर मेले हर त्यौहार जमजतिया होता है, जन्माष्टमी होती है, ईद होती है, होली होती है, दिवाली होती है, सब मिलजुल के मनाते हैं। रक्षाबंधन एक के पास एक जाता है, एक के पास एक जाता है, कोई हमारे ऐसी दिक्कत है नहीं। और मथुरा ऐसा मिसाल बन चुकी है जो कोई इसको तोड़ना चाहेगा कभी नहीं टूटेगी। सर आपका क्या नाम? आबिद हुसैन। आबिद जी, ये जो आप लोगों को जानकारी मिली थी कि ऐसा कार्यक्रम करने की अंदर कोशिश की जाएगी, उसके बाद आप लोगों की प्रशासन से बात हुई, क्या रिस्पॉन्स रहा प्रशासन का? कार्य तो बेहतर रहा है और अच्छी व्यवस्था है, मगर मथुरा है, मथुरा योगी कृष्ण, योगी राज श्री कृष्ण की जन्मस्थली है, यहाँ का संदेश पूरे विश्व में शांति और सद्भावना का जाता है। वही नीति को अपनाते हुए हिंदू मुस्लिम समुदाय ने वो संदेश पुनः दे दिया है और ये बता दिया है कोई शासन में बैठा रहे कितना भी ऊंचा गद्दी ओहदे पे हो उसकी बातों पे नहीं आने वाले, यहाँ की शांति फिजा को खराब नहीं होने देंगे। मथुरा में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकस है, भगवान कृष्ण की नगरी का माहौल खराब ना हो इसके लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? गौनिका अरोड़ा ने मथुरा से रिपोर्ट तो भेजी ही, साथ ही डीएम नवनीत सिंह से बात की है, सुनिए। मथुरा के डीएम नवनीत सिंह चहल इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, अभी मथुरा में सिक्योरिटी को लेकर क्या अपडेट है, क्या क्या तैयारी की गई है, खासतौर पर उस कॉल के बाद जो हिंदू संगठनों की तरफ से दिया गया? कुछ संगठनों के द्वारा कुछ कॉल्स और कुछ आह्वान किए गए थे, जिसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा विधिक कार्रवाइयाँ की गई। जनपद में 144 की धारा भी इम्पोज की गई, साथ ही साथ कुछ प्रिवेंटिव डिटेंशंस, कुछ निरोधात्मक कार्रवाइयाँ की गई। उसके फलस्वरूप जो संगठन है, सभी संगठनों ने अपनी अपनी कॉल्स विड्रॉ कर ली, वापस ले ली, और इन सभी को किसी भी प्रकार के आयोजन करने की अनुमति नहीं दी गई थी, सभी की अनुमति निरस्त कर दी गई थी। आज के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को 4 सुपर जोन्स, 4 जोन्स और 8 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है और सिक्योरिटी बीफ्ड अप है। यहाँ पर सिविल पुलिस के अतिरिक्त मजिस्ट्रेट्स लगे हुए हैं, पीएससी की कंपनीज लगी हैं, हमारी आरएएफ लगी हुई है और इस चीज़ को इंश्योर किया जा रहा है कि कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति किसी प्रकार की शांति व्यवस्था भंग ना कर सके। ड्रोन कैमराज के माध्यम से, सीसीटीवी कैमराज के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है, सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर भी निगरानी रखी जा रही है। धारा 144 कब तक लगी रहेगी और कब तक ये फोर्स जो है वो यहाँ पर लगी रहेगी, क्या अगले कुछ दिन तक ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी? फोर्स आज जो, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट दिन था उस अलर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आज फोर्स यहाँ पर बीफ अप की गई है। इसके अतिरिक्त धारा 144 कुछ दिन और लगी रहेगी, पर फोर्स जो है वो आज के पॉइंट ऑफ व्यू से अधिक मात्रा में लगी है, क्योंकि आज का दिन एक इम्पॉर्टेंट दिन है। उसके बाद से नॉर्मल जो सामान्य जीवन है, जो सामान्य प्रक्रिया है, वो चलती रहेगी। तो वहीं मथुरा में सिक्योरिटी कैसी है, गौनिका अरोड़ा ने इसे लेकर भी मथुरा के एसएसपी से बात की, सुनिए। एसएसपी गौरव ग्रोवर इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, अभी मथुरा में सिचुएशन क्या है, क्या तनाव का माहौल है या फिर सिचुएशन कंट्रोल? ये सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में है, यहाँ पर शांति है। सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हमारे द्वारा यहाँ पर फोर्स लगाया गया है, लगातार स्थानीय जनता के साथ हमारा समन्वय बना हुआ है और उन्हीं के सहयोग के साथ यहाँ विगत दिनों में भी शांति बनी रही है और आने वाले दिनों में भी पूरी बनी रहेगी। सर, जो हिंदू संगठनों की तरफ से ऐलान किया गया था मस्जिद में जाने का, उसको लेकर आपकी तरफ से क्या एक्शन? देखिए, कुछ संगठनों द्वारा आज की डेट को लेकर के कुछ ऐसे आह्वान किए गए थे और ऐसी सभी अनुमतियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया था। धारा 144 यहाँ पर लागू है, ऐसे किसी भी कार्यक्रम की कोई भी अनुमति किसी को नहीं दी गई है और सूचना प्राप्त हुई है कि ऐसे सभी संगठनों द्वारा अपनी जो कॉल वापस ली गई है और सभी कार्यक्रमों को उनके द्वारा निरस्त कर दिया गया। ये फोर्स जो है वो कल से भी लगी हुई है और अभी अगले कितने दिनों तक की सिक्योरिटी है? देखिए, आज के लिए क्योंकि ये कॉल था, ये इसलिए ये फोर्स लगी हुई है, आने वाले दिनों में स्थितियों को देखते हुए बिल्कुल सामान्य स्थिति है। सोशल मीडिया पर भी कुछ लोग भड़काऊ पोस्ट कर रहे हैं, उन पर क्या एक्शन लिया जा रहा है, कि अब तक किसी पर एक्शन लिया? देखिए, हमारी एक सोशल मीडिया की स्पेशल टीम राउंड द क्लॉक सोशल मीडिया पर होने वाली सभी गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। कुछ व्यक्तियों, कुछ ट्विटर हैंडल्स द्वारा इस तरह के भड़काऊ पोस्ट डाले गए थे, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है और भी अगर कोई ऐसा डालेगा तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्यक्रम से बात करने के लिए तो एसएसपी जनरल ने जानकारी दी कि मथुरा में इस वक्त सिक्योरिटी को लेकर क्या अपडेट है। मथुरा के हर एंट्री पॉइंट पर सिक्योरिटी कड़ी है। मथुरा वृंदावन को जोड़ने वाले रेलवे ट्रैक से भी गौनिका अरोड़ा ने एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए।
मथुरा के चप्पे चप्पे पर पुलिस ने अपनी सुरक्षा को बढ़ा दिया है। फिर चाहे वो जन्मभूमि मंदिर, ईदगाह या फिर मथुरा के आसपास के तमाम इलाके क्यों ना हो, पुलिस फोर्स भारी संख्या में तैनात की गई है। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है। दरअसल हिंदूवादी संगठनों की तरफ से जो आज यानी कि 6 दिसंबर को लेकर ऐलान किया गया था, उसके मद्देनजर ही पुलिस फोर्स को बढ़ाया गया है। और पुलिस फोर्स सिर्फ मथुरा की नहीं बल्कि आसपास के जिलों की भी यहाँ को बुलाया गया है और तमाम पुलिस के बड़े अधिकारी लगातार पूरी सुरक्षा का मुआयना ले रहे हैं। इस वक्त तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एक रेलवे ट्रैक की। ये रेलवे ट्रैक वो ट्रैक है जहां से मथुरा से वृंदावन के बीच चलने वाली रेल बस चलती है, यानी कि वो 2 डिब्बों की रेल बस जो कि जो लोग मथुरा से वृंदावन ट्रैवल करते हैं उनके लिए ये सहूलियत दी गई है। और अभी फिलहाल उस रेल बस को भी सस्पेंड किया गया है पिछले 2 दिन से, और आने वाले 2 दिनों तक ये फिलहाल रेल बस सेवा जो है वो सस्पेंड रहेगी। दरअसल ये इसीलिए किया गया है ताकि बल्क में कोई भी इस मंदिर की तरफ या फिर मस्जिद की तरफ ट्रैवल ना कर पाए, और उसी के लिए तमाम गाड़ियां जो कि जन्मभूमि की तरफ आ रही हैं या फिर शाही मस्जिद की तरफ आ रही हैं उन गाड़ियों को भी बैरिकेड्स लगाकर एक जगह तक रोक दिया गया है। करीब 1 से 1.5 किलोमीटर पहले ही तमाम गाड़ियों को डाइवर्ट कर दिया गया है और किसी भी गाड़ी को मस्जिद के पास या मंदिर के पास आने की इजाज़त नहीं है। जो लोग भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो वो वॉक करते हुए अंदर आ सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी मस्जिद के अंदर जाता है या फिर मंदिर के अंदर जाता है उनके आधार कार्ड को बाकायदा चेक किया जा रहा है। और यहाँ पर रेलवे ट्रैक के पास भी देख रहे हैं कि किस तरीके से सुरक्षा यहाँ पर तैनात की गई है। और ये इसीलिए किया गया है क्योंकि आज हिंदूवादी संगठनों की तरफ से आज को लेकर जो ऐलान किया गया था उसमें ये कहा गया था कि वो शाही मस्जिद के अंदर जाकर उसे गंगा जल से पवित्र करेंगे, जिसके बाद पुलिस पूरी तरह चौकस हो गई। और पुलिस का कहना था कि इस अगर ये कार्यक्रम होता है तो उसको लेकर माहौल बिगड़ सकता है और इसीलिए उसकी अनुमति नहीं दी गई। फिलहाल पुलिस का कहना है कि तमाम जो लोग जिन पर भी शक है उन पर पूरी तरह नजर रखी जा रही है, और जो लोग भी अगर किसी भी तरह का कोई ऐसा माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हुए पाए जाते हैं तो उन पर उचित कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा पूरे मथुरा शहर में इस वक्त को सीसीटीवी कैमरास की मदद से साथ ही साथ ड्रोन कैमरा की मदद से नजर रखी जा रही है ताकि कोई भी शख्स अगर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसे उसी वक्त पकड़ा जा सके और उस पर उचित कार्रवाई भी की जा सके। ग्राउंड जीरो यानी कि मथुरा से गौनिका की पूरी रिपोर्ट आपने देखी। अब आपको समझाते हैं कि दरअसल मथुरा में विवाद क्या है। ये विवाद करीब 300 साल पुराना बताया जा रहा है। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद पर विवाद है। मथुरा की अदालत में 3 याचिकाकर्ताओं ने याचिका भी दाखिल की है। रंजना अग्निहोत्री, विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन ये वो 3 याचिकाकर्ता हैं जिन्होंने याचिका दाखिल की है। याचिका में शाही ईदगाह ट्रस्ट पर श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कब्जे का आरोप है। ईश्वर के स्थान पर ढांचे के निर्माण का दावा भी किया गया है। ढांचे के नीचे श्री कृष्ण जन्मभूमि होने का भी दावा है। 13.37 एकड़ जमीन पर स्वामित्व देने की मांग की गई है। याचिका में मस्जिद को हटाने की भी अपील की गई है। 15 फरवरी को सिविल कोर्ट में इस पर अगली सुनवाई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।